जैसे हमने अभी देखा था पार्ट वन में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर रहा था, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शन, सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है एलिमेंट का, फिर उसके बाद एलिमेंट पे क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं हमें वो देखना पड़ेगा, एलिमेंट के लिए हमें सूटेबल मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा, एलिमेंट का फेलियर मोड क्या है वो डिटरमाइन करो, डिटरमाइन द फेलियर मोड ऑफ एलिमेंट, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक डायमेंशंस क्या है हमारे एलिमेंट के, क्या होने चाहिए वो हम डिटरमाइन करेंगे, फिर जो डायमेंशन है उनको मॉडिफाई करेंगे असेंबली और मैन्युफैक्चर के लिए, और चेक करेंगे डिजाइन एंड क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन के लिए, फिर प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिमेंट, और वर्किंग ड्राइंग हमें बनानी पड़ेगी एलिमेंट के लिए, क्या क्या हो गए प्रोसीजर, क्या हुआ स्पेसिफाई फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स, डिटरमाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, सिलेक्ट सूटेबल मटेरियल फॉर एलिमेंट, डिटरमाइन द फेलियर मोड ऑफ एलिमेंट, डिटरमाइन ज्योमेट्रिक डायमेंशंस ऑफ एलिमेंट, मॉडिफाई डायमेंशंस फॉर असेंबली एंड मैन्युफैक्चर, एंड चेक डिजाइन एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, फाइनली प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग ऑफ द एलिमेंट। डिटरमिनेशन ऑफ फोर्सेस, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, फेलियर क्राइटेरिया में देखना है, डायमेंशंस का डिटरमिनेशन करना है, मॉडिफिकेशन डिजाइन में कोई मॉडिफिकेशन है, और वर्किंग ड्राइंग बनाना है। सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन, तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल फॉर द मशीन कंपोनेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मशीन डिजाइन। जो भी है प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन हमारे लिए, मशीन कंपोनेंट का जो भी हमें डिज़ाइन करना है उसके लिए हमें प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मशीन डिज़ाइन के प्रोसेस में। द बेस्ट मटेरियल इज़ वन विच विल सर्व द डिजायर्ड पर्पसेस एट मिनिमम कॉस्ट। जो बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा, वही होगा जो कि डिजायर्ड पर्पस को सॉल्व करेगा एट मिनिमम कॉस्ट। फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय सिलेक्टिंग द मटेरियल, कौन से फैक्टर्स कंसिडर होते हैं जब भी हम कोई मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब मटेरियल जो है वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, और बहुत ही लार्ज इनफ क्वान्टिटीज में अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। तो सबसे पहले हो गया अवेलेबिलिटी, मटीरियल का अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है ईजिली। फिर आता है कॉस्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस। इन सम एप्लीकेशंस द मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सिलेक्शन। जो मशीनेबिलिटी है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। वेयर द प्रोडक्ट इज ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स शेप, कास्टेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ द मोल्टन मेटल टू फ्लो इन टू इंट्रिकेट पैसेजेस इन द क्राइटेरियन ऑफ द मटेरियल सिलेक्शन। जहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अगर कॉम्प्लेक्स शेप में है तो कास्टेबिलिटी और जो एबिलिटी है उसकी मोल्टन मेटल की जो इंट्रिकेट पैसेजेस हैं बहुत ही फाइन पैसेजेस हैं उनमें फ्लो होने के लिए उसका फ्लो होने की उसकी उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पैरामीटर होता है मटेरियल सिलेक्शन। इन फैब्रिकेटेड असेंबलीज ऑफ प्लेट्स एंड रॉड्स वेल्डेबिलिटी बिकम्स द गवर्निंग फैक्टर। और जो फैब्रिकेटेड हमारी असेंबलीज होती हैं प्लेट्स हो गए रॉड्स हो गए तो वेल्डेबिलिटी जो होती है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में स्ट्रेंथ आता है, तो स्ट्रेंथ क्या है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल का एबिलिटी है जिससे कि वो रेजिस्ट करता है विदाउट रप्चर एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाए और साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव। जब एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव किया जाए तो ओरिजिनल शेप में वो आइटम अपने आप वापस आ जाए। प्लास्टिसिटी, एबिलिटी टू रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर द लोड ऑन अ परमानेंट बेसिस। स्टिफनेस और रिजिडिटी, एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करें, यही स्टिफनेस या फिर रिजिडिटी कहलाता है। टफनेस, टफनेस क्या है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर द फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। मतलब कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है जब उसमें कोई बिफोर एनी फ्रैक्चर, जब भी कोई फ्रैक्चर उसमें
होने वाला है, उससे पहले जितनी भी एनर्जी को ये मटेरियल एब्जॉर्ब करे वो उस मटेरियल की टफनेस कहलाती है। उसके बाद आती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू डिफॉर्म टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बिफोर द साइन ऑफ क्रैक व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। किसी मटेरियल पर हम कंप्रेसिव फोर्स जब लगाते हैं तो उस एबिलिटी को, जब वो मटेरियल कैन बी फॉर्म्ड इनटू प्लेट्स शीट्स की तरह अगर हम उसे बना सकें तो वो उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी टू डिफॉर्म टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बिफोर द साइन ऑफ क्रैक व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। जब हम किसी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और उस मटेरियल को हम कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, उसको वायर के रूप में हम खींच सके लंबा लंबा, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ब्रिटलनेस क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच शोज नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो शो करे किसी भी फ्रैक्चर से पहले उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। हार्डनेस क्या है? रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन और इंडेंटेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन क्या है? एक अलॉय है आयरन का और कार्बन का, जिसमें मोर देन 2% होता है हमारा कार्बन। टिपिकल कंपोजिशन क्या होता है कास्ट आयरन का? कार्बन जो है वो 3 से 4% होता है, सिलिकन जो है वो 1 से 1-3% होता है, मैंगनीज जो है 0.5 से 1% होता है, सल्फर अप टू 0.1% होता है, फॉस्फोरस अप टू 0.1% होता है, और आयरन जो है वो बच्चा कुच्चा जो है वो आयरन। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में अवेलेबल होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप में बनाया जा सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग द कॉस्टली मशीनिंग ऑपरेशन। इसमें ज़्यादा महंगे ऑपरेशंस नहीं लगते हैं। इसका जो डैम्प वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही एबिलिटी जो टू डैम्प वाइब्रेशन वाइब्रेशन को डैम्प करने की जो एबिलिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। मोर रेजिस्टेंस टू वियर इवन अंडर द कंडीशन ऑफ बाउंड्री लुब्रिकेशन। बाउंड्री लुब्रिकेशन की जो कंडीशन आ जाती है तब भी बहुत अच्छा इसका वियर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रहता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्ट्स डू नॉट चेंज बिटवीन द रूम टेम्परेचर एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इसकी वो ऑल्टर नहीं करती। प्लेन कार्बन स्टील, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का क्या परसेंटेज है उसके हिसाब से हम कार्बन स्टील को क्लासिफाई करते हैं एज लो कार्बन स्टील, जिसमें 0.3% से कम कार्बन होता है उसे हम लो कार्बन स्टील कहते हैं। पॉपुलरली नोन एज माइल्ड स्टील, इट्स सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है और ईजिली इसे मशीन किया जा सकता है, वेल्ड किया जा सकता है। हम देखते हैं कि लो कार्बन कंटेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव टू हीट ट्रीटमेंट होता है। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में क्या है 0.3 से 0.5% तक का कार्बन रहेगा, जिसे हम मशीनरी स्टील कहते हैं, ईजिली हार्डन्ड हो जाता है हीट ट्रीटमेंट से, स्ट्रॉन्गर और टफर होता है एज कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील, वेल मशीन होता है, रिस्पॉन्ड रेडिली टू हीट ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। देन कम्स हाई कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो मोर देन 0.5% होता है, इसे हम हार्ड स्टील कहते हैं या फिर टूल स्टील कहते हैं। ये बहुत ही इजीली रिस्पॉन्ड करता है, रेडिली रिस्पॉन्ड करता है हीट ट्रीटमेंट को, व्हेन हीट ट्रीटेड अटेन हाई स्ट्रेंथ कंबाइंड विद हार्डनेस। जब हीट ट्रीटेड मटेरियल जो है वो हाई स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है कंबाइंड विद, उसमें हार्डनेस भी अच्छी होती है, लेस डक्टाइल एंड देन लो कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील। डिफिकल्ट टू वेल्ड, एक्सेसिव हार्डनेस अकंपनीड बाय एक्सेसिव ब्रिटलनेस। इन एप्लीकेशंस लाइक ऑटोमोबाइल बॉडीज एंड बोट्स, the ability of the material to deform to a greater extent or ductility is the most important consideration, so a plain carbon is preferred. जैसे कि हमें ऑटोमोबाइल टाइप का बॉडीज और या फिर हुड्स का कंस्ट्रक्शन करना है तो उस टाइम पे हमारा जो है मटेरियल है वो एबिलिटी टू डिफॉर्म टू अ ग्रेटर एक्सटेंट और जो डक्टिलिटी होती है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसीलिए प्लेन कार्बन स्टील को प्रेफर किया जाता है। इन एप्लीकेशंस लाइक गियर्स मशीन टूल्स स्पिंडल्स एंड ट्रांसमिशन शाफ्ट, स्ट्रेंथ टफनेस एंड रिस्पॉन्स टू हीट ट्रांसफर आर मोस्ट मोर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस, मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील्स आर प्रेफर्ड। और जैसे कि जब हमें गियर्स या फिर मशीन टूल्स स्पिंडल्स या फिर ट्रांसमिशन शाफ्ट्स का डिज़ाइन करना है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रेंथ और टफनेस है जो और रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाती है, इसलिए हमें मीडियम और हाई स्टील हाई कार्बन स्टील ही प्रेफर करते हैं।
Spring wires are subjected to severe stress and strain is the most important consideration. So high carbon steel is selected for helical and leaf springs. जो spring wires होती हैं इसके लिए हमें strength और severe stress जो इसके लिए important consideration होता है, इसलिए high carbon steel को select किया जाता है for helical और leaf springs के लिए. फिर alloy steel, carbon steel to which one or more alloying elements are added. Carbon steel में जब कोई दो या दो से अधिक अलॉय एलिमेंट को हम ऐड करते हैं टू ऑब्टेन सर्टेन बेनिफिशियल इफेक्ट्स. द कॉमनली एडेड एलिमेंट्स इंक्लूड सिलिकन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन. द टर्म अलॉय स्टील यूजली रेफर्स टू लो अलॉय स्टील्स कंटेनिंग फ्रॉम 1 to 4% ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स. अलॉइंग स्टील्स हैव हायर स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड टफनेस, हायर हार्डनेबिलिटी, रिटेन देयर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, higher resistance to corrosion and oxidation. Alloy steel. Silicon increases the strength and hardness without lowering the ductility. Silicon is added in spring steel to increase its toughness. Silicon क्या करता है? Strength और hardness को बढ़ाता है, ductility को कम नहीं होने देता, इसीलिए silicon को add किया जाता है spring steel में उसकी toughness को बढ़ाने के लिए. Manganese क्या करता है? Hardness को increase करता है और toughness को, और ये डेप्थ ऑफ हार्डनिंग को इंक्रीज कर देता है. निकल इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड टफनेस विदाउट सैक्रिफाइसिंग द डक्टिलिटी. क्रोमियम इंक्रीजेस हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस. स्टील कंटेनिंग मोर देन 4% क्रोमियम हैव एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस. मॉलिब्डेनम इंक्रीजेस हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस, रेजिस्ट सॉफ्टनिंग ऑफ स्टील ड्यूरिंग टेम्परिंग एंड हीटिंग. मॉलिब्डेनम क्या करता है? हार्डनेस इंक्रीज करता है, वेयर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और स्टील की सॉफ्टनिंग होने से रोकता है ड्यूरिंग जब हम टेम्परिंग और हीटिंग एक्टिविटी करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस इन मशीन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. सबसे पहला है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस. प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं ये जिसमें हमें प्रीलिमिनरी शेपिंग करते हैं हम किसी मशीन कंपोनेंट की, उसे हम प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस कहते हैं. जैसे कि कॉमन ऑपरेशंस क्या क्या हो गए? कास्टिंग हो गई, फोर्जिंग हो गई, एक्सट्रूडिंग, रोलिंग, ड्राइंग, बेंडिंग, शियरिंग, स्पिनिंग, पाउडर मेटल फॉर्मिंग, स्क्वीजिंग एक्सेट्रा, ये सब प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस हो गई. फिर आती है हमारी मशीनिंग प्रोसेस. प्रोसेस जो जो हम यूज की करते हैं फाइनल शेप देने के लिए किसी मशीन कॉम्पोनेंट को अकॉर्डिंग टू द प्लांट डायमेंशंस, उसको हम मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं. जो कॉमन ऑपरेशंस है जो कि मशीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं उसके वो क्या क्या है? टर्निंग, प्लानिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, सॉइंग, ब्रूइंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, हॉबिंग एक्सेट्रा. फिर आती है हमारी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस. द प्रोसेसेस यूज टू प्रोवाइड अ गुड सरफेस फिनिश फॉर द मशीन कॉम्पोनेंट. किसी भी मशीन कॉम्पोनेंट के लिए हम गुड सर्फेस फिनिश प्रोवाइड करें तो उसे हम कहते हैं सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस. कॉमन प्रोसेसेस क्या है? पॉलिशिंग हो गई, बफिंग हो गई, हॉनिंग हो गई, लैपिंग, एब्रेसिव, बेल्ट ग्राइंडिंग, बैरल टम्बलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सरफेस फिनिशिंग, शेरडाइजिंग एक्सेट्रा, ये सब हमारी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होती है. जॉइनिंग प्रोसेस. जॉइनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जॉइनिंग मशीन कॉम्पोनेंट्स के लिए इसको यूज में लिया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, स्क्रू फास्टनिंग, प्रेसिंग, सिंटरिंग एक्सेट्रा. प्रोसेस इज अफेक्टिंग द चेंज इन प्रॉपर्टीज. वो प्रोसेस जिससे प्रॉपर्टीज में चेंज आए. दीज प्रॉपर्टीज आर प्रोसेसेस आर यूज्ड टू इम्पार्ट सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द मशीन कॉम्पोनेंट सो एज टू मेक देम सुटेबल फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन. किसी भी मशीन कॉम्पोनेंट में हमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए उसके कुछ स्पेसिफिक यूज या ऑपरेशन के लिए हम ये चेंजेस लाते हैं तो इसे हम चेंज इन प्रॉपर्टीज कहते हैं. तो क्या होगा? वो कौन सी होती है? हॉट वर्किंग, हीट ट्रीटमेंट, कोल्ड वर्किंग और शॉर्ट पिन. फिर आता है सेफ्टी वर्क फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस. मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है. मैथमेटिकली क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस. तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑफिस इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस. यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय जो वर्किंग या फिर डिजाइन स्ट्रेस है वो जो रेशियो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है. इन केस ऑफ अगर डक्टाइल मटीरियल्स हैं जैसे कि
माइल्ड स्टील जहाँ पर यील्ड पॉइंट होता है जो कि क्लियरली डिफाइंड होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो बेस्ड अपॉन द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस होता है। इन सच केसेस क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स एग्जांपल कास्ट आयरन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस। दिस स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज द ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स टू विच वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट शुड कंप्लाई। क्या है ये, ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी नॉर्म्स होते हैं जो कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो कंप्लाई करना चाहिए एक स्टैंडर्ड के साथ। द कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स द मटेरियल्स डायमेंशंस एंड शेप ऑफ द कंपोनेंट्स बेस्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग एंड मेथड ऑफ मार्किंग पैकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अ स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर पार्ट्स मटीरियल और प्रोसेस। एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है किसी भी पार्ट के लिए, मटीरियल के लिए या फिर प्रोसेस के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टैंडर्ड इज टू रिड्यूस द वैरायटी एंड लिमिट द नंबर ऑफ आइटम्स टू अ रीजनेबल लेवल। किसी भी स्टैंडर्ड का एक ही मकसद होता है, ये वैरायटी को रिड्यूस करता है और आइटम्स को एक लिमिट, नंबर ऑफ आइटम को लिमिट कर देता है टू अ रीजनेबल लेवल। ऑन द अदर हैंड अ कोड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर द एनालिसिस डिजाइन मैन्युफैक्चर टेस्टिंग एंड इरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज्ड, कंपनी स्टैंडर्ड्स, दे आर यूज इन अ पर्टिकुलर कंपनी और अ ग्रुप ऑफ सिस्टर कंसर्न। ये कंपनी में, एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर उसकी सिस्टर यूनिट्स में, सिस्टर कंसर्न यूनिट्स जो है उसमें यूज किया जाएगा। नेशनल स्टैंडर्ड्स इंडिया BIS जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जर्मनी DIN डिशेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मन, USA AISI, अमेरिका आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट और SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, UK BIS ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। On international standards, these are prepared by the International Standards Organization ISO. The standards used in mechanical engineering design, standards for materials, their chemical compositions, mechanical properties and heat treatment. For example, Indian standard IS 210 specifies 7 grades of cast grey cast iron designated as FG 150, 200, 220, 260, 300, 350, 400. The number indicates the ultimate tensile strength in Newton per mm square. Standards for shapes and dimensions of commonly used machine elements. The machine elements includes bolts, screws, nuts, rivets, belts and chains, ball and roller bearings, wire, ropes, key and splines, etc. For example, IS 2494 specifies dimensions and shape of the cross section of endless V belts for power transmission. The dimensions of the trapezoidal cross section of the belt is length, width, height and included angle are specified in this standard. Standards of for fits, tolerance and surface finish of components. So fits, tolerance or surface finish ke liye bhi standard hai. Example, selection of the particular type of fit out for different applications is illustrated in IS 2709 or guide for selection of fits. Standard for testing of products. These standards, sometimes called as codes, given procedures to test the product, such as pressure vessels, boilers, cranes, and wire ropes, where the safety of the operator is an important consideration. For example, IS 807 is a code of practice for design, manufacture, erection, and testing of cranes and hoists. Benefits of standardization क्या क्या हैं? इसमें क्या होता है? Reduction in types and dimensions of identical components. Inventory control में बहुत important role play करता है. Manufacturing facilities में reduction हो जाता है. No need to design or test the elements क्योंकि already standardization हो रखा है. Easy to replace, interchangeability बहुत easy हो जाती है. Improves the quality and reliability, improves the reputation of the company which manufactures standard components. Sometimes it ensures the safety and it results in overall cost reduction. Preferred numbers. With the acceptance of standardization, there is a need to keep the standard sizes or dimensions of any component or product in discrete steps. The sizes should be spread over wide range. At the same time, these should be spaced properly. For example, if the shaft diameter are to be standardized between 10 and 25 mm, then their sizes should be 10, 12.5, 16,
20-25 and not like 10-11-13-18-25 mm. वाइड रेंज में स्प्रेड होने चाहिए और स्पेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए. सो दिस लेड टू द यूज ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज नोन एज सीरीज ऑफ प्रेफर्ड नंबर्स ऑफ प्रेफर्ड सीरीज. तो प्रेफर्ड सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड आर राउंडेड ऑफ. देयर आर फाइव बेसिक सीरीज विद स्टेप रेशियोज गिवन एज. These ratios are approximately equal to 1.58, 1.26, 1.12, 1.06 and 1.03. The five basic series of preferred numbers known as preferred series are designated as R5, R10, R20, R40 and R80. The examples of the preferred numbers series are standard shaft diameters, power rating of a coupling, center distances of standard gearboxes, etc. एडवांटेजेस क्या होगा प्रेफर्ड नंबर्स के? द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स एज अ फिक्स परसेंटेज. जो भी सक्सेसिव टर्म्स है उसका डिफरेंस जो है वो फिक्स परसेंटेज है. इट प्रोवाइड स्मॉल स्टेप्स फॉर स्मॉल क्वांटिटीज एंड लार्ज स्टेप्स फॉर लार्जर क्वांटिटीज. द प्रोडक्ट रेंज इज कवर्ड विद मिनिमम नंबर ऑफ साइजेस विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइस ऑफ द कस्टमर्स. तो दिस इज अ चार्ट फॉर R5, R10, R20 एंड R40. Standards and codes. Standardization is defined as the obligatory norms to which various characteristics of a product should conform. The characteristics include the materials, dimensions and shape of the component, methods of testing and method of marking, packing and the storing of products. Standards fits tolerance and surface finish of components standard for testing of products. Yes. Factor of safety. It is used for to provide a design margin over the theoretical design. Capacity to allow for uncertainty in the design process. FOSS. Strength of the component. Maximum load divided by the actual load. तो इसमें दे रखा है yield strength के basis पे. अगर FOS 1.25 से 1.5 है तो मटेरियल प्रॉपर्टीज नोन इन डिटेल, ऑपरेटिंग कंडीशंस नोन इन डिटेल, लोड एंड द रिजल्टिंग स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स आर नोन फॉर अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. 2 से 3 के बीच में लो वेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लेस ट्राइड मटेरियल्स और ब्रिटल मटेरियल अंडर एवरेज कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट लोड एंड स्ट्रेस. और 3 to 4 के बीच में फॉर अनट्राइड मटेरियल्स अंडर एवरेज कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट लोड एंड स्ट्रेस, बेटर नोन मटेरियल्स अंडर अनसर्टेन एनवायरमेंट और uncertain stresses. So above FOS should be considered fatigue strength, impact shock forces, vibration and brittle materials. So factor of safety for brittle ductile or offset yield. इसके लिए अलग अलग हमारा stress strain curve इस तरीके से है. सर्विस फैक्टर क्या है? ओवरलोड कैपेसिटी बिल्ट इनटू अ कंपोनेंट डिवाइस इंजन मोटर एक्सेट्रा एज अ सर्विस सेफ्टी फैक्टर. इट इज एक्सप्रेस्ड यूजुअली अ नंबर ग्रेटर देन 1. अ सर्विस फैक्टर ऑफ 1.15 मींस द आइटम कैन टेक 15% मोर लोड देन इट्स रेटेड कैपेसिटी विदाउट ब्रेकडाउन. अ मल्टीप्लायर व्हिच व्हेन अप्लाइड रेटेड पावर इंडिकेट्स अ परमिसिबल पावर लोडिंग दैट मे बी कैरिड आउट अंडर द कंडीशन specified for service factor.